हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओएलएक्स के फ्रॉड को लेकर। आप में से काफ़ी सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं कि ओएलएक्स पे कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। अगर आप ओल्ड फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से ओएलएक्स पे लूटा जा रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं ओएलएक्स फ्रॉड के बारे में। अगर आप ओएलएक्स पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको S8, S8 प्लस या फिर S9, S9 प्लस के प्राइस जो हैं वो आपको 15,000 से 20,000 काफ़ी जगह पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस टाइप के फ़ोन पे अगर आप जो सेलर है उसका तो उसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उसे फ़ोन करते हैं, तो वो आपसे यही कहेगा कि हाँ फ़ोन अवेलेबल है। तो लेकिन आप जब उससे कहेंगे कि फ़ोन कैसे दिखाओगे, क्या करोगे, तो वो आपको कहेगा कि जो फ़ोन है वो कैश ऑन डिलीवरी वो करवाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी ओएलएक्स से फ़ोन आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर सेलर आपको कैश ऑन डिलीवरी में फ़ोन नहीं भेजेगा। वो आपको कोरियर तो भेजेगा, लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर आपको वो फ़ोन नहीं दे। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप इसी टाइप के किसी और भी सेलर को अगर कॉल करेंगे तो वो आपसे ये भी कह सकता है कि वो फौज में है, BSF में है या फिर पुलिस में है, उसके पास टाइम नहीं है फ़ोन दिखाने का, तो वो आपको कैश ऑन डिलीवरी फ़ोन देगा। तो इस टाइप से भी काफ़ी सारे लोग आपसे ये बात कहेंगे, लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि कैश ऑन डिलीवरी आपको ओएलएक्स से फ़ोन नहीं लेना है। तो आफ्टर ऑल, अगर आप ओएलएक्स से फ़ोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सिटी उसमें सेलेक्ट करिए, और सिटी में अगर कोई फ़ोन बेचता है और जिसको आप देख सकते हैं लाइव, तभी आप उस फ़ोन को खरीदिए। अदरवाइज़ आप कैश ऑन डिलीवरी पे मत करिए, कैश ऑन डिलीवरी फ़ोन मत लीजिए। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि फ़ोन आएगा, उसको देखेंगे, उसके बाद ही हम पे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब कोरियर वाला आएगा तो वो आपसे सबसे पहले पैसे लेगा, उसी के बाद आपको फ़ोन देगा, और उसके बाद आप उसको ओपन कर पाएंगे। और ओपन करने के बाद भी अगर उसमें फ़ोन नहीं निकलता है तो जो भी डिलीवरी बॉय होगा वो आपका फ़ोन वापस नहीं करेगा। तो ऐसे में आपको बहुत ही सतर्क रहना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि हमारे नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।